मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, अभी आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मेंस्ट्रुएशन का एक टॉपिक, जो कि एरिया रिलेटेड टू सर्कल है। ठीक है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। हमने सर्कल पढ़ा था, सर्कल का हमने देखा था कि कैसे हम सर्कल होता क्या है, और सर्कल पे कोई आर्क कॉर्ड इसकी लेंथ कैसे निकालते हैं, और सर्कल का फिर हमने देखा था यूज कैसे करते हैं और कहाँ पे यूज होते हैं। आज हम देखेंगे एरिया जो रिलेटेड टू सर्कल। छोटा टॉपिक है, मैं आपके इन सारे टॉपिक को इस छोटे छोटे सेगमेंट में डिवाइड किया हूँ, सो दैट काफी मिक्सअप ना हो और आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। So this is about me. My name is Mukesh Kumar Yadav, and मेरा जो highest qualification है वो masters in technology है from IIT Delhi. जो मेरा professional experience है, मैं एक senior design engineer currently किसी company में काम कर रहा हूँ। जो मेरा hobby है वो है teaching, swimming है and books reading है। So this is the hobby. मैं इसकी वजह से आपको यहाँ पे लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, एंड दिस इज मी। दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, द इम्पॉर्टेंट इज कि आपको जो हम डिलीवर कर रहे हैं वो आपको समझ में आना चाहिए और आप क्वेश्चन बना पाए। सो स्टूडेंट्स, ये सिलेबस में हर लेक्चर में शो करता हूँ, सो दैट कि आपको थोड़ा ध्यान रहे। तो हम लोग यूनिट 1 से यूनिट 5 तक कंप्लीट कर चुके हैं, जो अगर देखेंगे तो आपका 80% कोर्स कंप्लीट हो चुका है। जो रिमेनिंग 2 यूनिट बचा हुआ है वो हम कंप्लीट कर रहे हैं, ये 20% है। 20% में से स्टूडेंट्स अगर देखोगे आप, तो अप्रोक्सीमेटली जो 10% है वो मेंसुरेशन है। इसमें भी मैं अप्रोक्सीमेटली 8% तक कवर कर चुका हूं, जो अभी चैप्टर में पढ़ा रहा हूं एरिया ऑफ सर्कल। उसके बाद एक आएगा वॉल्यूम, सो इसके बाद आएगा सर्कल एरिया एंड जो नेक्स्ट आएगा वो आएगा वॉल्यूम। तो ये जो मैं दोनों जब कवर कर लूंगा तब का ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ये भी मैं कोशिश करूंगा कि 1 से 2 लेक्चर में खत्म कर दूं। तो आज का लेक्चर, 2 और एक्स्ट्रा लेक्चर लगेंगे। आपका ये कोर्स कंप्लीट क्लास 10th का मैथमेटिक्स का रिवीजन हो जाएगा। कभी भी आपको डाउट हो, कुछ भी हो, आप कमेंट सेक्शन में डाल के हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको बताना यहाँ पे भूल गया, जो भी लेक्चर हम यहाँ पे डिलीवर कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ये एक हमारा फ्री एजुकेशन, फ्री फॉर ऑल, जो एसोसिएशन ऑफ एजुकेशन रिफॉर्म है, इसका जो विजन है वो ये है कि हम सबको गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन डिलीवर कर सके। तो हमारा ये मकसद ये है। सिलेबस में आपको एक्सप्लेन कर दिया, अब हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स अपना जो टॉपिक है। तो अगर हम टॉपिक में स्टूडेंट्स देखेंगे यहाँ पे एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ओके, अब देखिए आपको 2 डायग्राम दिख रहा होगा, मैंने ऑलरेडी डायग्राम ड्रॉ कर रखा है कि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो फर्स्ट हम जो टॉपिक उठाते हैं वो होता है पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल। स्टूडेंट्स देखिए, आप क्लास इनिशियल क्लास से ही आप पेरीमीटर और एरिया का नाम सुनते आए हैं, लेकिन अभी तक आपके पास एक सिंपल सर्कल थी, आपने उस सर्कल का पेरीमीटर निकाल दिया, उस सर्कल के एरिया निकाल दिया। आपने अपने क्लास में ये भी देखा होगा कि सर्कल का पेरिमीटर का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। अब सपोज दैट मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपका टाइम लूंगा। अगर मैं सपोज दैट मुझे आपकी आपको पेरिमीटर बताना है क्या होता है, ठीक है। तो एक सर्कल है, अभी सर्कल पे सपोज दैट आप इस पॉइंट से खड़े हैं और आप इस यहां से चलना स्टार्ट किए हैं। ओके, आप चलते जा रहे हैं सर्कल पे ही हैं, यू आर नॉट लॉन्ग, ये आपका है। तो आप यहाँ से स्टार्ट किए, यहाँ पे आ गए। तो अगर ये एक कॉर्ड बन गया, कॉर्ड मतलब एक
लेंथ अगर मैं इसको स्ट्रेट करूंगा तो ये क्लाइंड होगी, ओपन कर दूंगा स्टूडेंट्स, जो ये पेरीमीटर होता है वो यही लाइन है, ठीक है। तो पेरीमीटर किसी भी सर्कल का कितना होता है, वो होता है 2 पाई आर, ठीक है। ये मैं आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अब स्टूडेंट्स अब बात आती है एरिया, ठीक है। तो एरिया आपने सर्कल का ऑलरेडी पढ़ लिया है, ओके। जो एरिया होता है, एरिया सर्कल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। और ये भी आपको अगर बताना है तो मैं सपोज दैट इस सर्कल को मैं क्या करता हूँ, एक स्मॉल स्मॉल सेगमेंट में ब्रेक कर लेता हूँ, ओके। मैंने क्या किया, स्मॉल स्मॉल, अब ये क्या है, ये आपके जो भी है सेक्टर है, सेक्टर है। तो पहले मैं ये बता देता हूँ कि सेक्टर, मैंने आपको बताया है सर्किल में बताया था कि सेक्टर क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है, ठीक है। तो एरिया ऑफ द सेक्टर हम पढ़ेंगे यहाँ पे और एरिया ऑफ द कॉर्ड पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए अब मैं इस जो स्मॉल स्मॉल सेगमेंट है ये, इनको मैं क्या किया, ये सारे एक सर्कल को रिप्रेजेंट करेंगे, ओके। मैं अगर सारे यहाँ पे कर लूँ तो ये एक, ओके, ये ऐसे कुछ रिप्रेजेंट करेंगे लाइक दिस। तो अगर स्टूडेंट्स अगर मैं ये पूरा देखूं, ये कितना है, देखिए पूरा पेरिमीटर कितना होता है, 2 पाई आर, तो ये कितना हो जाएगा, पाई आर, और ये कितना है, रेडियस के बराबर है। तो ये क्या बन गया, एक रेक्टेंगल बन गया जिसका लेंथ है पाई आर और विड्थ है आर। तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। तो ये एक बेसिक फंडा है जो एरिया ये आता है यहाँ से, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे बस एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है जो आपने ऑलरेडी अपने क्लास में पढ़ा है। अब हम देखिए हम क्वेश्चन के थ्रू ही ज्यादा कोशिश करेंगे कि आपको एक्सप्लेन करें, लेकिन बस छोटा सा एक यहाँ पे आपको बस समझने के लिए, सो दैट कि आपको हेल्प करेगा। देखिए स्टूडेंट्स ये क्या है, सर्कल पेरीमीटर और एरिया ऑफ सर्कल, मैंने बता दिया क्या होता है। अब देखिए अब कभी क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर और एंड सेगमेंट, ठीक है, ये सेक्टर है और ये क्या है, तो यहाँ पे ये देखेंगे अगर रेडियस, ये भी रेडियस है और ये क्या है, कॉर्ड है। सो एक्सेप्ट डायमीटर, अगर ये एक, ये भी एक डायमीटर भी एक कॉर्ड है, ठीक है, तो ये हाफ सर्कल हो जाता है। तो अगर दो रेडियस को किसी आर्क, ये आर्क हो गया, ये आर्क है, ये मैंने आपने बताया था, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेक्टर। अब देखिए सेक्टर दो टाइप के होते हैं, जो छोटा होता है उसको बोलते हैं स्मॉल सेक्टर या माइनर सेक्टर, इसको बोलते हैं माइनर सेक्टर और इसको बोलते हैं मेजर सेक्टर। ये मेजर सेक्टर हो गया, ये मेजर सेक्टर हो गया। सिमिलरली यहाँ पे जो ये होता है वो होता है माइनर सेगमेंट और ये होता है मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। अब देखिए अगर मुझे, मेरे पास अगर एक सेक्टर है तो सेक्टर का, सेक्टर अगर दिया हुआ है, सपोज दैट ये सर्कल है यहाँ पे, अब यहाँ पे एक क्या है, एक सेक्टर है, ओके। मान लीजिए ए बी एंड ओ, ये क्या है, एक सेक्टर है। तो मुझे इसकी एरिया निकालनी है। तो स्टूडेंट्स अभी मैंने आपको बताया था कि सर्कल की एरिया क्या होती है, एरिया ऑफ, इसकी रेडियस मान लीजिए आर है, एरिया ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए जब 360 डिग्री, ये एंगल टोटल कितना होता है, ये एंगल टोटल 360 होता है, 360 डिग्री जब एंगल है तो एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर।
सपोज दैट जो मैंने यहाँ पे अभी एंगल ये कितना एंगल बना रहा है, थीटा। सो थीटा एंगल है 360 डिग्री है, तो पाई स्क्वायर है, तो थीटा डिग्री है तो कितना हो जाएगा, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब कोई भी तो एरिया ऑफ ए सेक्टर हैविंग थीटा एंगल, ये हो गया इक्वस टू ये आ जाएगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब सपोज दैट एक का है सर्कल का 1/4 है, इट मीन्स थीटा इक्वल टू हो जाता है 90 डिग्री, तो एरिया कितना हो जाएगा 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो ये 4 हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर बाई 4। देखिए पाई की वैल्यू जनरली होती है 22/7, अगर नहीं है तो 3.14, ये हम यूज करते हैं, ये आपके दिया हुआ, अगर नहीं दिया हुआ तो आप 22/7 यूज कर सकते हैं। और हमारे आपको पता है कि हमारे ग्रेट मैथमेटिशियन श्रीनिवासन ने इस वैल्यूज को इनफाइनाइट टर्म तक ले गए थे, और मैं आपको रेशनल और इरेशनल ने भी बताया था कि जो पाई होता है वो क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, नॉन टर्मिनेटिंग इनफाइनाइट नंबर होता है। ओके तो अगर क्वेश्चन में आपको नहीं दिया है तो आप ले लीजिए 22/7, अदरवाइज ये 3.14 मेंशन होता है। और एक चीज और है, देखिए माइनर और मेजर सेगमेंट जो मैंने आपको यहाँ बताया है, अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा है तो आप समझ लीजिए कि माइनर सेगमेंट की बात हो रहा है, अगर लिखा होगा तो मेजर सेगमेंट लिखा होगा, नहीं कुछ भी मेंशन नहीं है, इट मीन्स आपको जो भी एरिया पूछ रहा है तो आपको माइनर सेगमेंट की एरिया निकालनी है, वैसे माइनर सॉरी माइनर सेक्टर की एरिया निकालनी है इधर, और माइनर सेगमेंट की कुछ भी नहीं दिया है तो माइनर, और दिया है तो कोई वरी करने की जरूरत ही नहीं है। अब मैंने जो ये बताया स्टूडेंट आपको बताया एरिया ऑफ क्या सेक्टर, अब एरिया ऑफ सेगमेंट ये भी देख लेते हैं कैसे निकालना है, बहुत इजी है। ये मान लीजिए ये सर्कल है, ठीक है, अब अगर आपके पास सर्कल दिया हुआ है, अगर आपके पास सर्कल दिया हुआ है जिसकी रेडियस आर है, सपोज दैट एक यहाँ पे ये क्या है सेगमेंट, ये है सेगमेंट है, अब मुझे इसकी एरिया निकालनी है, मुझे इसकी एरिया निकालनी है, ये रेडियस मान लीजिए, सॉरी इसको दूसरे कलर से कर लेते हैं, आर है, ये भी आर है, आर आर मान लीजिए ओ ए बी, अब इधर दे दिया सी, पूछेगा वो एरिया ऑफ सेगमेंट सेगमेंट ए सी बी कैसे निकालेंगे। देखिए इसको निकालने के लिए बेसिक है, यहाँ पे होगा अगर आप देखेंगे ओ ए बी ये क्या बना रहा है, एक है सो एरिया ऑफ सेक्टर सेक्टर ओ ए बी, ये हो गया, ये क्या हो गया ओ, ये हो गया ना, ये पूरा एक हो गया सेक्टर, माइनस माइनस एरिया ऑफ ट्रेंगल ओ ए बी, ट्रेंगल क्या है ये है, ठीक है ये ट्रेंगल बन रहा है, ठीक है, और ये टोटल जो हो रहा है ये आपका एक सेक्टर है, तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना हो जाएगा, सपोज दैट ये बना रहा है यहाँ पे थीटा, ये कितना है थीटा है, ओके ये है कितना थीटा एंगल, तो थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस
एरिया ऑफ ट्रेंगल ओ ए बी, ये बेसिक सा फंडा है, आप इसको यूज करके निकाल सकते हैं। तो कुछ भी हो, अगर मेजर दिया हुआ है तो, अगर माइनर निकल गया तो मैं पूरे एरिया में से माइनर को माइनस कर दूंगा तो मेजर का निकल जाएगा। तो ये दो बेसिक फंडामेंटल हैं। अब हम मूव करते हैं कुछ कि इनका एप्लीकेशन क्या है, ये क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे देखेंगे कुछ आपके पास इस टाइप के डायग्राम आते हैं, आपने अपने ड्राइंग बोर्ड ड्राइंग में भी देखा होगा, तो आपको उस टाइम लगता होगा कि ये सब चीजें बहुत इजी हैं, लेकिन वो चीजें इजी नहीं होती हैं। अगर किसी भी ज्योमेट्री की डायमेंशन आपको दी हुई है तो इट मीन्स आप उससे कुछ वैल्यू निकाल सकते हैं। अच्छा, मैं ये अगर ये पहला एग्जाम्पल ले लूँ, मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिखाया है, इसमें आश्चर्यचकित होने की जरूरत नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी इजी क्वेश्चन आते हैं, बस आपको फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए कि एरिया हमको कैसे निकालना है। अगर मैं ये पहला पहला ही एग्जाम्पल ले लूँ, सपोज दैट एक ये ए ए बी सी डी, ये क्या दिया हुआ है, स्क्वायर दिया हुआ है जिसका साइड कितना है 10 सेंटीमीटर, और देखिए ए ये क्या बना रहा है, एक हाफ सर्कल बना रहा है और ये एक हाफ सर्कल बना रहा है, इसमें दिया भी हुआ है 10 सेंटीमीटर और ये भी एक हाफ सर्कल बना रहा है, और पूछा है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, पूछा है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ये शेडेड रीजन है। देखिए एरिया निकालने के लिए क्या करना है, इसको मैं मान लेता हूं 1, 2, 3 एंड 4। अगर मैं क्या करूं, एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी माइनस एरिया ऑफ रीजन, एरिया रीजन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, अगर ये मैं टोटल एरिया में से 1, 2, 3 और 4 जो नॉन शेडेड रीजन है अगर माइनस कर दूंगा तो जो शेडेड रीजन है उसकी एरिया आ जाएगी। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, बेसिक सा फंडामेंटल। अब आपको एरिया ऑफ रीजन 1, 2, 3 एंड 4 निकालना है, तो ये कैसे निकालेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं ये एरिया, ये पोर्शन है, ये क्या है, एक हाफ सर्कल है और ये भी एक हाफ सर्कल है, अगर मैं टोटल एरिया में से दो हाफ सर्कल माइनस कर दूं तो मुझे ये एरिया निकल जाएगी, ये एरिया निकल जाएगी और ये निकल जाएगी। तो एरिया ऑफ रीजन 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा, सो एरिया ऑफ ए बी सी डी माइनस एरिया हाफ हाफ सर्कल 2 टाइम्स एरिया हाफ सर्कल, मतलब एक ये हाफ सर्कल आ गया, हाफ सर्कल बी सी, हाफ सर्कल ये अब हाफ सर्कल बी सी माइनस प्लस इसको बोलो प्लस हाफ सर्कल कितना ए डी। अब एरिया ऑफ कितना हो जाएगा, 10 × 10 माइनस एरिया ऑफ हाफ सर्कल, देखिए हाफ सर्कल मीन्स 1/2 π r² प्लस 1/2 π r² आर क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर इसकी साइड 10 दी हुई है, ये टोटल साइड 10 है तो कितना हो जाएगा 5, आर इक्वल टू 5, ये 100 माइनस देखिए 1/2 1/2 ये π × r², आर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 5, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो ठीक है, अदरवाइज मैं 22/7 × 25 यहां से आप एरिया निकाल सकते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है।
ये एक निकला वन प्लस थ्री। सिमिलरली क्या हो जाएगा, सिमिलरली सिमिलरली टू प्लस फोर्थ ये कितना हो जाएगा, जो ये वैल्यू आएगी सपोज दैट एक्स आई तो ये हो जाएगा एक्स। तो टोटल एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वस टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस टू टाइम्स एक्स। ठीक है, तो यहां से जो भी वैल्यू आ जाएगी मतलब हंड्रेड माइनस टू, और ये वैल्यू आएगी हंड्रेड माइनस, अगर मैं इसको करूं यहाँ पे तो मैं 25 कॉमन ले लेता हूँ, 4 माइनस 3.14, मैं 22/7 को 22/7 को 3.25 इंटू कितना आ जाएगा 0.6, और इधर आ जाएगा 9.8, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा जो भी है। यहाँ लिख सकता हूँ 25 × 0.86, यहाँ से 50 कॉमन ले लीजिए तो ये बच जाएगा 2 − 0.86, दिया जाएगा 50 × 1.14, मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पे। तो ये की पहला है। सिमिलरली एक एग्जांपल ये है, इस एग्जांपल में आपके नाइन फिगर दिए हुए हैं और एक स्क्वायर है, तो आप नाइन फिगर टोटल एरिया माइनस नाइन फिगर का कुछ रेडियस आर दिया होगा, आर इक्वल टू 3 या जो भी दिया होगा, या 10 है तो ये मान के चलिए 3 सेगमेंट में अगर डिवाइड करेंगे इसको 12 मान लेते हैं, 4 4 4 तो इसका रेडियस हो जाएगा 4 4 4, इसको 12 मान लेते हैं, तो एक एरिया हो जाएगी पाई इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 9 टोटल, सो 12 इंटू 12 माइनस कितना 9 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा। सिमिलरली एक ये है, अगर इसको मैं देखूं तो क्या है, ये एक इसमें भी शेडेड रीजन है, इसमें नॉन शेडेड रीजन की पूछेगा इसकी वैल्यू, इसमें एक फिगर दिया हुआ है, अगर ये मैं बस ले लूं तो ये क्या है, एक सेक्टर है ना, एक ये सेक्टर है एक ये सेक्टर है, किसी सर्कल है, तो इस सर्कल का इसका इसका डायमेंशन दिया हुआ कितना 56, तो अगर ये 56 है ये 56 है तो ये कितना हो जाएगा 56 अंडर रूट 56, 56 का स्क्वायर 56√2, ये डायमीटर हो जाएगा, तो हाफ कर देंगे तो कितना जाएगा 28√2। ठीक है, ये रेडियस हो गया, तो इसका एरिया निकाल लीजिए माइनस, इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो ये एरिया निकल जाएगा, और ये भी सेम है बाई टू कर देंगे प्लस टू का मतलब इंटू टू कर देंगे तो टोटल शेडेड रीजन की एरिया है। ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको बताए हैं, आप अपने क्लास में पढ़े भी होंगे और प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस कैन मेक्स ए मैन परफेक्ट। अब स्टार्ट करते हैं कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, ये प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो पहला क्वेश्चन उठाते हैं, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठा लिए हैं प्रीवियस ईयर के। अब दिया हुआ है कि ये फिगर है, इस फिगर में स्टूडेंट्स आप ये देखिए कि इस फिगर में एक स्क्वायर है ओ ए बी सी, ये एक स्क्वायर है, ओके ये एक स्क्वायर है इंस्क्राइब्ड इन ए क्वाड्रेंट ओ पी बी क्यू, यह ओ पी बी क्यू एक क्वाड्रेंट है सर्कल का, इफ ओ ए 15 सेंटीमीटर फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, इसकी एरिया बता दो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन और पाई की वैल्यू दे दिया है। देखिए सबसे पहले क्या है, अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो मेरे पास इस सर्कल का रेडियस होना चाहिए, रेडियस इसकी क्या है, यही तो है रोटेशन समय इसको मिला को। तो स्टूडेंट्स ये 15 दिया हुआ है, स्क्वायर है ये भी 15 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 15√2,
तो ये हो गया रेडियस ऑफ द सर्कल, ये हो गया रेडियस ऑफ द, अब रेडियस पता चल गया, तो ये क्या है, क्वाड्रेंट है, तो एरिया ऑफ ओ पी पी क्यू इक्वस टू 90/360 के क्वाड्रेंट है इंटू पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 15 इंटू 15 रूट 2 का स्क्वायर, ये 1/4 हो जाएगा, तो पाई बाई 4 इंटू 15 का स्क्वायर इंटू 2, मैं कर देता हूँ पाई की वैल्यू दी हुई है 3.14 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 15 कितना हो जाता है 225। अब एरिया ऑफ, क्योंकि हमें शेडेड रीजन निकालना, तो ये तो टोटल एरिया निकल गया इसका, ये टोटल एरिया हो गया, ये जो भी रीजन है इसका हो गया, लेकिन हमें बस शेडेड का निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से माइनस करना पड़ेगा, ओके माइनस करना पड़ेगा एरिया ऑफ, सो एरिया ऑफ स्क्वायर ओ ए बी सी 15 × 15। अब स्टूडेंट्स शेडेड रीजन का एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है, इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा एरिया एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ओ बी, ओ बी कितना है ओ पी बी क्यू, ओ पी बी क्यू, ओ पी पी क्यू माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर ओ ए बी सी, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हमने निकाला है कितना आया है 225 इंटू डिवाइडेड बाई 2 माइनस 15 × 15 कितना हो जाएगा 225। अब मैं यहां से 225 कॉमन ले लूं तो कितना आ जाएगा 3.14 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1, अगर आप ये निकालेंगे 225 इंटू ये आपका आएगा 0.57 इक्वल टू 168.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए इसमें फंडामेंटल क्या है, आपको सेगमेंट की एरिया निकालनी है, सेक्टर सेगमेंट सेक्टर की, सेक्टर के एरिया में से आप इसकी माइनस कर देंगे, आपको शेडेड रीजन का आ जाएगा। सिमिलरली जो अगर ये क्वेश्चन में देखूं, ये एबीसीडी एक स्क्वायर दिया हुआ है और साइड दिया हुआ है 2√2 एंड इंस्क्राइब इन अ सर्कल, एक सर्कल के अंदर दिया हुआ है, तो पूछा है कि एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, तो इसमें क्या है एरिया ऑफ द शेडेड रीजन कितना हो जाएगा इक्वल टू, इसको मैं रखा हूँ इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल, मैं सर्कल को ऐसे बना देता हूँ सर्कल माइनस एरिया स्क्वायर एबीसीडी। तो अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इस सर्कल की रेडियस, सर्कल की रेडियस क्या होगी, ये डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो जाएगा, अगर ये एक साइड 2√2 है तो एक जो स्क्वायर का बाइसेक्ट होगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा
टू रूट टू का स्क्वायर प्लस टू रूट टू का स्क्वायर का होल स्क्वायर, सॉरी अंडर रूट। ओके, तो ये 4 8 + 8 16 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/2 जो कर देंगे तो रेडियस आ जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा 2, तो रेडियस हो जाएगी 2, तो एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगी पाई इंटू टू का स्क्वायर माइनस माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा 2√2 × 2√2। अब पाई की वैल्यू दी हुई है 3.14 × 4 माइनस ये कितना हो जाएगा 8। अब यहां से मैं 4 कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा 3.14 माइनस 2, तो 4 × 1.14 इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 6 4, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये बेसिक है, ये सब बेसिक फंडामेंटल्स हैं, ये आपको प्रॉब्लम नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ये पूछ रहा है कि शेडेड रीजन की एरिया बताइए। ये क्वेश्चन आप खुद करिए, ये बहुत इजी है। वेयर आर्क्स ड्रॉन विथ सेंटर, बोला एक आर्क सेंटर ए है, एक सेंटर बी है, सेंटर सी है, सेंटर डी से ड्रॉ करते हैं जो एक मिड पॉइंट पे कट करते हैं, इसको इसको मिड पॉइंट पे कट करते हैं। ओके, अगर इसकी साइड दी हुई है 12 सेंटीमीटर, देखिए ईच सर्कल, अगर मैं 1 2 3 एंड 4, फोर सर्कल है और फोर सर्कल क्या है, ये एक क्वाड्रेंट है एक सर्कल के, तो जो टोटल टोटल एरिया ऑफ ऑफ क्वाड्रेंट सर्कल, क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है, इज 1 + 2 + 3 + 4, तो वन एक हाफ, वन क्वाड्रेंट वन है, सेकंड क्वाड्रेंट सेकंड है, थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट, चारों को ऐड करेंगे तो एक हमें कंप्लीट सर्कल मिलेगी जिसकी रेडियस हो जाएगी, जिसकी सर एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब आर यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा ना, क्योंकि ये मिड पे कन्वर्ट कट करता है, तो ये भी 6, 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 इसको मैं नहीं लिखता हूँ, ये टोटल जो है वो कितना है 12 है। ओके, तो पाई इंटू 6 का स्क्वायर। अब यहाँ पे एक और आता है एरिया ऑफ सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन इक्वल्स टू एरिया ऑफ टोटल एरिया ऑफ टोटल एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस टोटल एरिया, सॉरी एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस टोटल एरिया ऑफ टोटल एरिया अन शेडेड रीजन। अब अन शेडेड रीजन क्या है, यही है जो हमने निकाला है, सो यहां से कर सकते हैं कितना 12 × 12, ये एरिया स्क्वायर हो गया माइनस पाई इंटू 6 का स्क्वायर। अब देखिए यहां से मैं क्या करता हूँ, 6 कॉमन ले लेता हूँ, 6 × 6 = 36 कॉमन ले लेता हूँ, तो ये कितना बचेगा 4 - पाई, और पाई की वैल्यू 3.14 है, तो 36 - 4 - 3.14, सो अरे 36 × ये बचेगा 0.86, 0.86,
अगर मैं इसको इसको सॉल्व करूं तो ये कितना आ जाएगा? लेट मी चेक, 36 इंटू 0.86, 30.96, ये आ जाएगा 30.96, 30.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, बहुत इजी आते हैं। आपको आपको डायग्राम देख के नहीं डरना है कि अरे ये तो डायग्राम आ गया कैसे होगा। क्वेश्चन पढ़िए, सिंपल सा सेगमेंट और सेक्टर की एरिया आपको निकालना चाहिए, सर्कल के एरिया पता होना चाहिए, आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये एरिया ऑफ सर्कल रहा। आपको कोई भी अगर डाउट कभी भी हो, कभी भी कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछिए, हम वीडियो शेयर करते हैं, ठीक है? आप लोग पूछिए, उसमें क्या होगा ये आप स्माइल करते रहिए हमेशा। ओके हमेशा स्माइल करते रहिए, तो उससे क्या होगा कि हमें पता चलेगा कि आपकी डिफिकल्टी क्या है, तो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में उससे अच्छा डिलीवर कर पाएंगे। सो थैंक यू ऑल।